तो अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी के लिए मैं यहाँ पे बेसन निकाल रही हूँ। बेसन में यहाँ पे ये बड़ी के लिए बेसन है, प्लस यहाँ पे जो कढ़ी बनाना है ग्रेवी उसके लिए निकाल रही हूँ। दोनों का एक साथ ही मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे 4 से 5 चम्मच के करीब मैं मतलब ग्रेवी के लिए ज़्यादा ली हूँ और बड़ी के लिए पकौड़े के लिए थोड़ा सा कम ली हूँ। तो यहाँ पे मैं छाछ डाल दी हूँ और इसको फेंट के मैं एक साइड में रख दूँगी करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। हल्दी डाल दूँगी और कढ़ी में ना हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है सब्ज़ी के मुकाबले, ना हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है तो देखने में कढ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लगभग मैं फेंट चुकी हूँ, इसको ढक के मैं रख दूँगी रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे पकौड़ी के लिए मैं बेसन को घोलूँगी। यहाँ पे अजवाइन डाली हूँ, हींग डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिर्ची डालूँगी इसमें और नमक डालूँगी, हल्दी बहुत ज़रा सी डालूँगी और इन सबको मिला के ना एक साथ ही इसको फेर लूँ, गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाली हूँ कलौंजी, कलौंजी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका घोल बनाऊँगी, घोल इसका गाढ़ा बनाऊँगी पकौड़े के लिए। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूँगी और यहाँ पे ये घोल हमारा बन चुका है। इसको भी मैं रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ताकि फूल जाए अच्छे से। यहाँ पे हरी मिर्च लहसुन काट ली हूँ, ये कड़ी पत्ता था मेरे पास तो कड़ी पत्ता को अच्छे से धो ली हूँ। यहाँ पे राई है जो कि मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे हींग ले ली हूँ और ये छोटी वाली कढ़ाई है, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। इसको माँज के रखो ना तो इसमें मोर्चा सा पकड़ लेता है, जंग लग जाता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई साफ़ करके तेल डाल रही हूँ पकौड़े के लिए। और तेल हमारा अभी गर्म हो रहा है, तब तक मैं हाथ से ही अच्छे से इसको फेंट लूँगी ताकि और अच्छी फुली फुली सी पकौड़ी हमारी बने। बड़ी जो होती है ना अच्छे से फूल जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे अच्छे से मैं फेंट ली हूँ और यहाँ पे चेक कर रही हूँ तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका था और ये छोटा सा डाल के मैं चेक कर रही थी। उसके बाद से मैं यहाँ पे पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। सारी पकौड़ियों को मैं बना लूँगी, बहुत छोटा छोटा मैं बनाई थी क्योंकि ये फूल के ना बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैं छोटा छोटा ही बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर ले ली हूँ मैं दूसरी कढ़ाई। दूसरी कढ़ाई में सेम तेल में डाल दूँगी, जो बड़ी वाला है ना यही तेल डाल दूँगी। मैं छोटे वाले में पकौड़ी बनाती हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से बन जाता है, बड़े वाले में ना पकौड़ी अच्छे से बन नहीं पाता है तो इसलिए मैं कढ़ी इसमें बनाती हूँ। और पकौड़े वगैरह बनाना होता है तो छोटे कढ़ाई में बनाती हूँ। यहाँ पे तेल वही डाल दी हूँ, थोड़ा सा ऊपर से और तेल डाल दी हूँ। और यहाँ पे ये देखिए ये जो घोल के रखी थी छाछ के पानी में वो मैं डाल दी हूँ और इसमें थोड़ा और पानी डालूँ, थोड़ा नहीं जितना गाढ़ा पतला रखना उसी हिसाब से मैं पानी डालूँगी। तो कढ़ी में तो पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि पकना भी होता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ जीरा और मेथी, ऊपर से डालूंगी मैं थोड़ा हींग और ये जो मैं लहसुन और मिर्ची काट के रखी थी ये डाल दूंगी। यहाँ पे डाल दी हूँ ये जीरा हमारा चटक गया है, इसके बाद से लहसुन और मिर्च डालूंगी और ये कड़ी पत्ता डालूंगी। कड़ी पत्ता डालो ना तो बहुत तेज उछलता है, मतलब जलने जलने सा होता है। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ जो पतली वाली राई होती है वो भी छटकता है तो इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ। और हींग डाल के बस मैं डालती हूँ इसमें अपना कढ़ी बेसन घोला हुआ और इसको लगातार चलाते रहेंगे। शुरुआत में लगातार चलाना है, प्लस इसमें पानी भी मैं और ऐड करूँगी, जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैं पानी डालूँगी। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ, कलर अच्छा आता है इसे, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। इसको लगातार धीमी आंच पे चलाते हुए मैं पकाई हूँ। इसके बाद से इसको ढक दूँगी, बिल्कुल धीमा आंच कर दी हूँ। इसमें करीबन 20 से 25 मिनट के करीब लगता है, ज़्यादा ही टाइम लग जाता है कढ़ी बनाने में क्योंकि धीमे धीमे पकता रहता है। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे आपस में और ये हमारा ये पकौड़ी जो है मैं डाल दूंगी। अब पकौड़ी डाल के थोड़ी देर ढकूंगी। पकौड़ी ना डालने के बाद बहुत अच्छी से फूल जाती है तो अच्छा लगता है। कढ़ी का कलर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा आया हुआ था, कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे बिल्कुल अब उतारने का टाइम है तो अच्छे से खोल चुका है। बिल्कुल लास्ट में मैं डालूँगी नमक, नमक पहले डाल दो ना तो कढ़ी फट जाता है, इसलिए मैं नमक मतलब बाद में डालती हूँ और अच्छा है इससे टेस्ट भी आता है। पहले मुझे कढ़ी बनाने बहुत अच्छे से नहीं आता था और अभी थोड़ा थोड़ा मतलब आ गया है, बहुत अच्छे से तो नहीं लेकिन अब बना लेते हैं जैसा चाहिए वैसा। तो यहाँ पे मैं कढ़ी हमारा बन चुका है, आप लोग कलर देख, और कढ़ी हमारी यहाँ पे बन चुकी थी, हमने उतार दिया। कढ़ी का कलर आप लोग देख सकते हैं बहुत टेस्टी।